Assalamualaikum, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। ये वीडियो है भारत की मुस्लिम पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाने की बात पर, देखिए क्या बोले। मतलब भारत के जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को भारत से मिलाने पर क्या कहा, वो आज सुनेंगे उनकी जुबानी। जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के बारे में सुनते ही उनका क्या फेस एक्सप्रेशंस हैं, क्या ओपिनियंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे। चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो यस, काम ना करने वाले की महंगाई है, करने वाले क्या महंगाई, उसके लिए सब बराबर है। तो मिल रहा है खाने को, काम करेगा खाएगा, ना करेगा ना खाएगा। पाकिस्तान वाले भी तो काम करते होंगे। तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान मतलब क्या है, हम तो ये बात जानते हैं। मतलब नहीं, भाई तो है, अरे भाई था, अलग रह रहा है वो, अब उसका मतलब क्या है। अब नई पीढ़ी को चाहिए कि हमें सुकून मिले। अब सुकून बा नहीं है, यहाँ सुकून है तो यहाँ बेचारा यहाँ हम आ जाए। यानी हिंदुस्तान में सुकून है आप मान रहे हैं? हाँ, यहाँ सुकून है। अच्छा, और क्या, इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में हम आ जाए। हाँ, ये बस मुझे ये चक्कर है। पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान में आटा, चावल, दाल या फिर पेट्रोल, डीजल सब कुछ महंगा है। इतनी बुरी हालत है कि वहां के लोग ये कह रहे हैं, वहां का जो मुस्लिम समुदाय है वो खुद ये कह रहा है कि अब हमें हिंदुस्तान में विलय कर देना चाहिए। चलिए हिंदुस्तान के लोगों से बातचीत करते हैं कि पाकिस्तान पर उनकी क्या राय है, किस तरीके से वहां पर ये मांग उठ रही है कि हमें हिंदुस्तान में विलय पाकिस्तान को कर लेना चाहिए। पर भी तो लोग उनकी माली स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई पाकिस्तान, उनके हालात ऐसे, जो बोगे वो तो काटना पड़ेगा, उसमें क्या बात है। वह माली हालात हो गई है, कुछ भी हो गई तो उनका जो उन्होंने किया वो सामने आएगा। इतनी महंगाई हो गई वहाँ पर, चावल दूध ले लो 400 रुपए लीटर दूध मिल रहा है। हाँ, तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो महंगाई उनकी वजह से हो रही है ना। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग हमें शामिल कर लें, पाकिस्तान जो अलग हो गया था 1947 में, अब हिंदुस्तान में वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में विलय कर। तो ये बात उनको पहले जब की क्यों नहीं याद आई, अब क्यों याद आ रही है? यहाँ का आदमी तो फिर ही मस्त है, बढ़िया है, यहाँ का खुशहाल है, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, खा रहा है, मेहनत कर रहा है और खा रहा है और काम की कोई कमी नहीं है। ये भी बात सुन लो बस, यानी काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं, काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं, कहीं भी कमी नहीं, खुशहाली है, बढ़िया है। यहाँ के भी लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी मोदी ने महंगाई कर दी। वो कहने वाले उनके लिए काम नहीं, वो काम करने वाले नहीं होने के, काम की बहुत कमी नहीं है, काम बहुत है, काम करने वाले की कमी है, करने वाले की कमी है, काम की कमी नहीं। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान की जो हालत हो गई है, अब वो कह रहे हैं वहाँ के लोग कि भैया हम पेट्रोल नहीं खरीद पा रहे, तेल नहीं खरीद पा रहे, दूध नहीं खरीद पा रहे, इतनी महंगाई है, अब हमें हिंदुस्तान में विलय कर लेना चाहिए। या मेरे भाई, भाई हमें तो भारत से मतलब है। क्या कह रहे हैं, हमें तो भारत से मतलब है, हमें पाकिस्तान से मतलब क्या, हम तो भारत का हिस्सा था, हम तो भारतवासी हैं, वो भी हिस्सा तो भारत का ही है। तो भारत अब तो अलग हट गया ना, वो अब तो अलग ही है, वो अब तो अलग ही है, अब तो हम तो हिस्सा मतलब है, हमें खुशहाली है, चैन है, सुकून है, उसका चाहिए या खुशहाली है। यहाँ पर भी कह रहे हैं, यहाँ पर भी महंगाई कर दी है मोदी जब से आया, महंगाई होती जा रही है। तो काम ना करने वाले के लिए महंगाई है, करने वाले क्या महंगाई, उसके लिए सब बराबर है। तो मिल रहा है खाने को, काम करेगा खाएगा, ना करेगा ना खाएगा। पाकिस्तान वाले भी तो काम करते होंगे। तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान मतलब क्या है, हम तो ये बात जानते हैं। मतलब नहीं, भाई तो है, अरे भाई था, अलग रह रहा है वो, अब उसका मतलब क्या है। भाई ये कल क्यों नहीं सोचा, आज क्यों कह रहा हूँ, ये कल क्यों नहीं सोचा, कल भी तो एक ही थे भाई, कल एक थे तो आज क्यों कह रहा हूँ, तो कल क्यों अलग हुए हैं। बस पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ रहे हैं, हमें हिंदुस्तान से मतलब है, पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। तो वो हमारा ही है ना। अरे सब भाई है, अपना सगा भाई तो हो नहीं रहा, उस भाई को चलिए गलती हो गई, अब हालत खराब है, हो जाने, भूखा मर जाओ, हमारे से साले मर जाओ, हमें अपनी इंडिया से मतलब है, यहाँ की मातृभूमि है हमारी, हम यहाँ पैदा हुए हैं। चाचा एक बात बताइए, पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान वाले अपने हिंदुस्तान में ले लो, हालत खराब है वहाँ पे, आटा नहीं, पानी नहीं, चाय नहीं, दाल सब्जी दूध सब महंगा। हाँ तो हम महंगा है, समझ में आई,
वो लोग आना चाहे बिरदा मंदिर चाहे तो रख सकते हैं यहाँ पर लाके, हाँ रख सकते हैं, जो अब बात वहाँ जो हैं लोग वो आना चाह रहे हैं बिरदा मंदिर क्या है तो यहाँ बुला सकते हैं उनको। लोग कह रहे हैं कि फिर गए क्यों थे, अलग क्यों किया था हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर आज आना चाह रहे हो तो? ये बात वो आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो पहले वाले आदमी जो थे वो तो बहुत ही ज़्यादा, अब समझ लो नई पीढ़ी चल रही है, भाई साहब आप तो समझदार हैं, नई पीढ़ी चल रही है, अब नई पीढ़ी को चाहिए कि हमें सुकून मिले, अब सुकून बा नहीं है, यहाँ सुकून है तो यहाँ बेचारा यहाँ आ जाए, हिंदुस्तान में सुकून है आप मान रहे हैं? हाँ यहाँ सुकून है। अच्छा और क्या, इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में हम आ जाएं। हाँ ये बस यही अच्छा चक्कर है कि बात मतलब तकलीफ है यहाँ पर आराम मिल जाएगी उन्हें, आ जाएंगे और क्या, अपने भाइयों से मिल लेंगे, सबसे मुलाकात हो जाएगी। तो ये भाई 75-76 साल में जब गरीबी आई, महंगाई आई, आटा महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, तभी उनके याद आया कि नहीं। हाँ जो ये तो गलत बात है, जब जब हर चीज़ महंगी हो गई तब तुम्हें याद आ रही है कि हम अपने इंडिया में जाएंगे, ये गलत है। उनका मंसूबा उनको पहले ही से इस बार सोचना चाहिए कि हमें अपने एक ही दोनों इकट्ठे हो जाएं, अपने आपस में भाई भाई हो जाएं, बस बात करें। हाँ क्यों हो गई इतनी गरीबी वहाँ पे, क्यों महंगाई हो गई इतनी, चाचा क्या रीज़न? अब तो साहब क्या बताएं, हम तो मेढक है कुएं में उड़ रहे, काम बताएं अब क्या चीज़ बताएं आपको, ये बताइए आप, हम ना आने के ना जाने कहीं टूटे टाटे हैं बुड्ढे। ये है पाकिस्तान के लोग अब ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में मिले, पाकिस्तान में मालूम कर जाकर जब पता चलेगा, हम क्या बताएं, टूटे टाटे। क्या यहाँ पर खुशहाल है लोग? खुशहाल कहाँ है, कोई खुशहाल नहीं है, गरीब आदमी से पूछो कितना खुशहाल है। यानी बेरोजगारी महंगाई पाकिस्तान से ज्यादा है कि हिंदुस्तान में? पाकिस्तान की बात करो तो अपने हिंदुस्तान की बात करो, नहीं पाकिस्तान की बात कर रहे हो? पाकिस्तान वाले तो खुद कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मिला लो, हमारी हालत खराब हो गई है, हमें उससे लेना देना क्या, हम हिंदुस्तान की बात, हमारे हमारे था जब था, अब खत्म हो गया उसका कहानी, भाईचारा खत्म। भाईचारा तो पूरी जिंदगी सब पूरी दुनिया वाले भाईचारा करते हैं, पाकिस्तान से भाई बंदी खत्म, भाई बंदी पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से क्या वो गैर थोड़ी है। हाँ। वो कह रहा है कि हमारे यहाँ दूध महंगा, 400 रुपए लीटर दूध, आटा महंगा, सब्जी महंगी, तेल महंगा, हम कैसे रहें कैसे जी? अपने हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं करते, वहाँ तुर्किस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहे भाई, अपनी हिंदुस्तान जहाँ रहा उसकी तो बात करो, हम थोड़े जानते हैं। तो हम किसके पास जाएंगे? हम खुदा के पास से, अल्लाह ताला से दुआ करो वो देगा। से पहले हम किसके पास जाएंगे? किसी के पास नहीं जाएंगे, खुदा से मांगो, मेहनत करो, मजदूरी करो, वही खुदा की जात देने वाली है। पाकिस्तान के लोग भी तो मेहनत मजदूरी कर रहे होंगे, ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को भी तो मान रहे होंगे, उनकी इतनी महंगाई कैसे हो गई? उनकी जरूरत वो पूरा करेगा खुदा, हम थोड़ी जरूरत पूरा कर पाएंगे नहीं। तो ये है तस्वीर हिंदुस्तान की, पाकिस्तान में जैसे ही महंगाई, बेरोजगारी और बिलबिला रहे हैं भूख से वहाँ के लोग, उसके बाद वहाँ के लोग खुद मीडिया के सामने आकर ये कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए और हमारे हिंदुस्तान, हमारे पाकिस्तान को हिंदुस्तान में विलय कर लेना चाहिए, तभी शायद पाकिस्तान की माली हालत ठीक हो सकती है। लेकिन इस पर हिंदुस्तान के लोगों का क्या विचार है, क्या राय है, वो राय आपने सुनी। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा। सो फ्रेंड्स, यहां पर वीडियो एंड होती है और ये वीडियो में आपने देखा ना किस तरह से इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं वो लोग मतलब भारत से इतना प्राउड फील कर रहे हैं कि कहते हैं हमें पाकिस्तान से लेना देना क्या है, हमारे अपने भारत की बात करो ना। और बेरोजगारी वाकई में भारत में इस वक्त कम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान से तो कंपैरिजन बनता नहीं है। उसका रीजन आप भी जानते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा पाकिस्तान में हो चुकी है। और मैं आपको खुद अपना बताती हूँ एक्सपीरियंस के आज मैं मार्केट गई हुई थी और मुझे कुकिंग ऑयल बाय करना था, बिकॉज मैं घर वालों से, भाई से मंगवा लेती हूँ तो पैसे दे देती हूँ, कभी खुला मंगवा लेती हूँ जो थोड़ा बहुत जरूरत होती है, नहीं तो मैं पैकेट मंगवाती हूँ आधा लीटर का या फिर हाफ लीटर या फिर पाव का। तो मैंने भाई को बोला जा आज मैं मार्केट गई हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं ऑयल बाय कर लेती हूँ ना, तो वो ऑयल कितने का, 600 का आपको कुकिंग ऑयल मिल रहा है 1 लीटर। मतलब मैंने जब प्राइसेस देखी ना
मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मैंने ऐसे करके देखा ऐसे इतनी प्राइस महंगे। अच्छा मैं ये सोच रही थी चलो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं ना, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग बेचारे कैसे, जिनकी डेली की वेजेस ही 500 से 1000 के बीच में है वो लोग बेचारे क्या करते होंगे, आप मुझे बताएं जरा उनकी क्या लाइफ है, वो खाना भी दो टाइम का नहीं खा सकते। तो वहीं पर ही अगर हम इंडिया में, मुझे नहीं पता कुकिंग ऑयल की इंडिया में क्या प्राइस चल रही है, बट मुझे इतना पता है कि इंडिया में काफी अच्छा सिस्टम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ग्रोसरी का बहुत सस्ता है। आप कुकिंग ऑयल की प्राइस जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपके यहाँ कुकिंग ऑयल कितने का मिल रहा है। तो इंडिया में जो लोग हैं मोस्टली मुझे लगता है कि बहुत लकी हैं कि वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं और उनको हर चीज बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है। वेजिटेबल्स आई थिंक के 200 में आपको वन वीक की वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, वहीं पर अगर आप पाकिस्तान में देखें तो 100-200 में जस्ट आपको वन डे की वेजिटेबल्स मिलती हैं। कुकिंग ऑयल 600 का है, आटा 5 kg 800 का मिल रहा है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि हमारे पास प्राइसेस इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं कि महंगाई इतनी हो गई है। तो अब पब्लिक सारी सी बात उनको रिलीफ चाहिए, अब वो उनको इंडिया का रास्ता अगर नजर आता है ना उनके लिए खुल दिया जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग चले जाएंगे, क्योंकि उनको जहां पर अपना पेट पालने के लिए उनको जहां जाना पड़ेगा वो लोग चले जाएंगे। मैं इस वक्त कहूंगी कि हमारे यहाँ पर जो महंगाई हुई है उसकी जिम्मेदार ये पूरा सिस्टम है जो इस चीज को कंट्रोल कर सकता था। अच्छा मैं एक और चीज बताती हूँ, ठीक है इंडिया को पाकिस्तान के साथ, मतलब पाकिस्तान को इंडिया से रिलेशन बनाना चाहिए बेहतर, क्योंकि इंडिया एक तो नेबरहुड कंट्री है, दूसरा आपके बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थे हिस्ट्री से हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एहसास इंडिया करता है पाकिस्तान का कर सकता है, और इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ चाइना भी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का इतना ज्यादा एहसास करेगा जितना इंडिया करेगा, क्योंकि रिलेशन ही ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है कि काफी चीजें हैं जो हो सकती हैं अगर कोलैब कर लिया जाए। मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर जो क्या कहते हैं गरीब लोग हैं वो पीस रहे हैं, वो चक्की में जैसे गंदुम नहीं पीसते सेम टू सेम ऐसे गरीब पीसते जा रहे हैं, और महंगाई में कोई हाल नहीं है किसी का भी। अच्छा यहाँ पर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान हमसे ज्यादा बेहतर है इस वक्त, वो तुर्की को उन्होंने डोनेशन भी दी कैश में, फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो अपना भी खर्चा वगैरह सिस्टम चला रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि हम कितने नीचे हमारी कंट्री आ गई है बहुत ज्यादा, और डिफॉल्ट हो नहीं रही है हो चुकी है, और अनफॉर्चुनेटली इसका असर गरीबों पर ही पड़ रहा है, क्योंकि गरीब गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। और मैं ये सोच रही हूं कि जब मेरी पॉकेट पे इतना गहरा असर पड़ेगा ना तो सोचें गरीबों और जो मुझसे नीचे की जो लोग हैं उन लोगों का क्या होता होगा। मैं तो ये सोच के हैरान हूं यार, खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है हर कोई तरस रहा है, लेकिन जहां लोग पहले दो टाइम खाते थे वहां एक टाइम खाते होंगे यकीनन, जहां एक टाइम खाते थे वो लोग तरसते ही होंगे ना। तो मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा। सो गाइस क्या कहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, लॉज ऑफ लव एंड